আজ দক্ষিণ জেলার টিএসআর নবম বাহিনীর কোম্পানি হেডকোয়ার্টার কুয়াইফাং এবং বাগমারা প্লেটুন পোস্টগুলিতে পরিদর্শন করে পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব চলে আসেন নবম বাহিনীর সদর দপ্তর হিচাছড়া ক্যাম্পে। পরিদর্শন করে তিনি সদর দপ্তরে অমর জওয়ানদের শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। সেখান থেকে তিনি গার্ড অফ অনার নিয়ে জওয়ানদের সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়া সদর দপ্তরে জওয়ানদের রক্তদান শিবিরে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এরপর সৈনিক সম্মেলনে মিলিত হন। পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আপনারা সবাই জানেন ত্রিপুরা রাজ্যের টিএসআর খুব গর্বের সাথে কাজ করছে। শুধু ত্রিপুরাতে নয়, ভারতবর্ষের ছত্রিশগড়ের নবম বাহিনীর কাজ করছে। ত্রিপুরাতে উগ্রবাদী থাকার সময় টিএসআর দীর্ঘ সময় ধরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া তিনি আরও বলেন, টিএসআর শুধু রাইফেল নিয়ে ডিউটি করবে তা নয়, মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও তাদের মতবিনিময়ের প্রয়োজন আছে, ডিজির সাথেও তাদের কথা বলতে হবে, পরিবারের সাথেও কথা বলা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, 30 জন জওয়ান স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। लगातार मैं सभी हमारे जो टीएसआर त्रिपुरा स्टेट राइफल्स स्पेशल फोर्स है त्रिपुरा पुलिस की और होम डिपार्टमेंट की, और इसकी हम निरीक्षण के लिए निकले हैं। और हमारे विशेष करके हमारे बैटालियन के अलग अलग बैरक होती है, उसका स्थिति क्या है, खाना कैसे खाते हैं, उनके परिवार के लोग कैसा है और उनके जीवन शैली संबंध में जानना है, तो ये सब के लिए मैं निकला हूँ। और आज मैं जहाँ आया हूँ, जिस बटालियन में, ये 9th बटालियन है, इसका एक बड़ा पोर्शन हमने छत्तीसगढ़ में कोल एरिया में ड्यूटी के लिए गए हैं, केंद्र सरकार ने उनको हायर किया हुआ है। तो आज मैं इनकी 2 बैरक और अभी हेडक्वार्टर में आया हूँ, और मुझे गर्व है मेरे पास, त्रिपुरा सरकार के पास टीएसआर जैसा फोर्स है। आप लोग सभी जानते हैं त्रिपुरा में एक समय इंसर्जेंसी थी, लंबे समय चला, टीएसआर ने इसमें बड़ी भूमिका अदा की है, और त्रिपुरा में आज जो पीस है इस पे लाने में टीएसआर के बहुत बलिदान है और बहुत मेहनत किया है, और बहुत अच्छे फोर्स है। बस मुझे वही है, हमारे सभी राइफलमैन को, जवानों को, सभी के अंदर जोश भरना है, और इनको नहीं लगना चाहिए जो इनका काम सिर्फ राइफल उठा के खड़ा होना, इनका काम मुख्यमंत्री के साथ भी बात करना है, डीजी के साथ भी बात करना है, और इनके परिवारजनों के बारे में जानकारी लेना, पूछना, ये बहुत बड़ा दायित्व होता है मुख्यमंत्री को और होम मिनिस्टर को। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।